अरुणाचल आना मेरे बहुत बार हुआ है, जब भी आता हूं एक नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह लेकर के जाता हूं। लेकिन मुझे कहना होगा कि मैं इतनी बार अरुणाचल आया हूं, शायद गिनती करूंगा भी तो भी कुछ गलती हो जाएगी, इतनी बार आया हूं, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार देखा, और वो भी सुबह 9:30 बजे। अरुणाचल में पहाड़ों से लोगों को आना, इसका मतलब ये हुआ कि विकास के कामों का आपके जीवन में कितना महत्व है ये दर्शाता है, और इसीलिए आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, अरुणाचल के लोगों को, अरुणाचल के लोगों की आत्मीयता कभी भी अरुणाचल के लोगों को देखो, वो हंसते ही हैं, चेहरा मुस्कुराता रहता है। कभी उदासीनता, निराशा अरुणाचल के लोगों के चेहरे पर झलकती नहीं है, और अनुशासन मुझे लगता है कि सीमा पर अनुशासन क्या होता है ये मेरे अरुणाचल के हर घर में, हर परिवार में, हर व्यक्ति के जीवन में नजर आता है। हमारे मुख्यमंत्री प्रेमा जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार की मेहनत, विकास के लिए प्रतिबद्धता, वो आज अरुणाचल को इस नई ऊंचाई पर पहुंचा रही है। मैं प्रेमा जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको याद होगा, और अभी प्रेमा जी ने उल्लेख भी किया, कि फरवरी 2019 में इस एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ था, और ये सौभाग्य मुझे मिला था। और आप तो जानते हैं, हम एक ऐसा वर्क कल्चर लाए हैं जिसका शिलान्यास हम करते हैं, उद्घाटन भी हम ही करते हैं। अटकाना, लटकाना, भटकाना, वो समय चला गया। लेकिन मैं बात और करना चाहता हूं। 2019 फरवरी में मैंने इसका शिलान्यास किया था। अब 2019 मई में चुनाव आने वाले थे। ये जितने पॉलिटिकल कमेंटेटर होते हैं, जिनकी आंखों पर पुराने जमाने के चश्मे टंगे हुए हैं, इन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, एयरपोर्ट वेयरपोर्ट कुछ बनने वाला नहीं है, ये तो चुनाव है ना, इसलिए मोदी यहां पत्थर खड़ा करने आ गया है। और यहां हो रहा है नहीं, हर चीज में, हर चीज में उनको चुनाव नजर आता है। हर चीज के अंदर किसी भी अच्छे काम को चुनाव के रंग से रंग देने की फैशन हो गई है। इन सब लोगों को आज इस एयरपोर्ट का उद्घाटन एक करारा जवाब है, उनके मुंह पे तमाचा है। और मेरी इन पॉलिटिकल कमेंटेटर से आग्रह है, करबद्ध प्रार्थना है कि भी अब पुराने चश्मे उतार दीजिए, ये देश नए उमंग और उत्साह के साथ चल पड़ा है, राजनीति के तराजू से तोलना बंद कीजिए। जो कमेंटेटर इसको चुनावी घोषणा कहते थे,
आज 30 साल के भीतर ही वो इस आधुनिक भव्य स्वरूप से आकार ये हमारा एयरपोर्ट देख रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी हाजिरी में, लाखों लोगों की साक्षी में, पूरा अरुणाचल आज ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, पूरा अरुणाचल जुड़ा हुआ है। ये भी एक बड़े गर्व की बात है। आज न अभी यहां कोई चुनाव है, न कोई चुनाव आने वाला है, उसके बावजूद भी हो रहा है, क्योंकि आज देश में जो सरकार है उसकी प्राथमिकता देश का विकास है, देश के लोगों का विकास है। साल में 365 दिन 2400 घंटे हम देश के विकास के लिए ही काम करते हैं। और आप देखिए, अभी मैं जहां सूरज उगता है उस अरुणाचल में हूं, और शाम को जहां सूरज डूबता है वो दमन में मैं जाकर के लैंड करूंगा जी, और बीच में काशी जाऊंगा। ये मेहनत एक ही सपने को लेकर के चल रही है, जी जान से जुटे हैं, मेरा देश आगे बढ़े। हम न चुनावों का फायदे नुकसान सामने रख करके काम करते हैं, न चुनाव के लाभ पाने के लिए छोटे छोटे इरादों से काम करने वाले लोग हैं। हमारा तो सपना सिर्फ और सिर्फ मां भारती है, हिंदुस्तान है, 130 करोड़ नागरिक है।